अच्छे होंगे और आप लोगों की बोर्ड की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी सब लोगों की भी, आशा है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। लास्ट हम लोगों ने जो ये क्रॉस वाला था कंप्लीट कर लिया था, लिंकेज था, लिंक्ड क्रॉस थी, क्रॉसिंग ओवर था, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किया था। और हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है वो है ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। लेट्स स्टार्ट। ह्यूमन सोमैटिक सेल कंटेन्स 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। देखिए वैसे तो हम लोगों को पता ही है कि जो ह्यूमन्स में क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है वो 23 होती है, और वो भी 2n। 2n का मतलब होता है डिप्लॉइड, पेयर्ड कंडीशन में। दे कैन बी डिवाइडेड फंक्शनली एज ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम। अब इनको भी हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक होते हैं हमारे ऑटोसोम्स, एक पेयर होता है हमारा सेक्स क्रोमोसोम। बताया था मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में कि 22 जो पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के वो हमारे बॉडी के कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और उसमें से जो एक पेयर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे बॉडी के गर्ल और बॉय के लिए। अ सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इज इन्वॉल्व्ड इन सेक्स डिटरमिनेशन एंड रिमेनिंग 22 पेयर्स आर कॉल्ड ऑटोसोम। एक पेयर होता है जो कि सेक्स डिटरमिनेशन के लिए होता है, बाकी के 22 पेयर्स होते हैं ऑटोसोम्स जो कि हमारी बॉडी के अदर कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑटोसोम्स कंट्रोल अ वैरायटी ऑफ ट्रेट्स अदर देन सेक्स। जो ऑटोसोम्स होते हैं वो हमारी बॉडी के डिफरेंट ट्रेट्स यानी कि कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं एक्सेप्ट सेक्स डिटरमिनेशन। सो दीज ट्रेट्स आर कॉल्ड ऑटोसोम्स लिंक्ड ट्रेट्स। इसलिए हम लोग जो 22 पेयर्स होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, ऑटोसोम लिंक्ड ट्रेट्स। द ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी कैरेक्टर्स अदर देन द सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग थ्रू ऑटोसोम्स इज कॉल्ड ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। बॉडी के जो कैरेक्टर्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स को छोड़ के वो पेरेंट्स से बच्चों में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। सम कैरेक्टर्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय डोमिनेंट जीन्स व्हाइल सम अदर बाय रिसेसिव जीन प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम। और ये जो कैरेक्टर्स बच्चों में जाते हैं, अब बच्चों में जो कैरेक्टर गए यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन आई, हो सकता है कुछ उसमें कैरेक्टर जो फर्स्ट जनरेशन में अपियर होंगे वो डोमिनेंट हो जाएंगे, बाकी के जो छुप गए फर्स्ट जनरेशन में लेकिन सेकेंड जनरेशन में अपियर होने के चांसेस है, उन्हें हम लोग कौन से बोलते हैं, रिसेसिव जीन। फॉर एग्जाम्पल ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स लाइक विडोज पीक एंड हंगिस्टन डिजीज एब्सेट्रा। यहाँ पे कुछ डोमिनेंट ट्रेट्स है लाइक विडोज पीक एंड हंटिंगटन्स डिजीज। ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट लाइक फिनाइल क्यूटोनोरिया, सिस्टिक फिब्रोसिस एंड सिकल सेल एनीमिया। और ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज कैरेक्टर की बात करें तो है फिनाइल क्यूटोनोरिया एंड सिस्टिक फिब्रोसिस एंड सिकल सेल एनीमिया। देखिए विडोज पीक है क्या ये देख लेते हैं। अ प्रोमिनेंट वी शेप्ड हेयर लाइन ऑन फोरहेड इज डिस्क्राइब्ड एज विडो पीक। एक्चुअली होता क्या है विडोज पीक में, जो एक हमारा जो फोरहेड होता है उस पे वी कलर की हेयर लाइन आ जाती है, इस तरीके से वी शेप में हेयर लाइन हमारे पूरे फोरहेड पे आ जाती है। इट इज डिटरमाइंड बाय ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन। ये जो हमारा एक तरीके से डिसीज हुई तो ये क्या है हमारी, ये डोमिनेंट होती है। डोमिनेंट का मतलब है कि अगर किसी मदर या फादर को ये डिसीज है, ये जेनेटिक डिसीज है, तो डेफिनेटली फर्स्ट जनरेशन में इस डिसीज का ट्रांसफर होता है और फर्स्ट जनरेशन में एपरेंस भी होता है, इसीलिए एक तरीके से डोमिनेंट है। विडोज पीक अकर इन होमोजाइगस डोमिनेंट एंड ऑल्सो हेटरोजाइगस इंडिविजुअल। ये जो डिसीज है विडोज पीक, अब चाहे डोमिनेंट वाले कैरेक्टर जाए या फिर आपके रिसेसिव वाले कैरेक्टर जाए, लेकिन दोनों में ही चाहे होमोजाइगस कैरेक्टर हो चाहे हेटरोजाइगस कैरेक्टर बच्चे में जाए, दोनों ही कंडीशन में जो विडोज पीक वाली जो जेनेटिक डिसीज है बच्चे में जानी ही जानी है फर्स्ट जनरेशन में डोमिनेंट है। इंडिविजुअल्स विद होमोजाइगस रिसेसिव दैट मींस स्मॉल डब्ल्यू जीनोटाइप हैव अ स्ट्रेट हेयर लाइन, नो विडोज पीक।
अब यहीं पर हम जो रिसेसिव बच्चे की बात करेंगे, यहाँ पर जो रिसेसिव बेबीज होते हैं, जो डोमिनेंट बच्चा था, सपोज करिए कि फर्स्ट जनरेशन में दो बच्चे हुए, ठीक, जिसमें से एक में डोमिनेंट कैरेक्टर में एक के हेयर लाइन वी शेप की आई और दूसरे की हम बात करें जिसमें वी शेप नहीं आई, दैट मीन वो रिसेसिव वाला था। बोथ मेल्स एंड फीमेल्स हैव इक्वल चांसेस ऑफ इनहेरिटेंस, ये डिसीज चाहे मेल में हो चाहे फीमेल में हो, दोनों की ये जो विडोज पीक है ये वी हेयर लाइन बच्चे में जाएगी जाएगी, चाहे उसके फादर में हो चाहे मदर में हो। दूसरी होती है हमारी फिनाइल क्यूटोनूरिया, इट इज एन इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कॉज्ड ड्यू टू रिसेसिव ऑटोसोमल जीन। अब हम बात करते हैं फिनाइल क्यूटोनूरिया की, ये भी एक इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो कि रिसेसिव ऑटोसोमल जीन की वजह से होता है। व्हेन रिसेसिव जीन आर प्रेजेंट इन होमोजाइगस कंडीशन फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलाइज एंजाइम इज नॉट प्रोड्यूस। एक्चुअली होता क्या है, जो रिसेसिव जीन होते हैं होमोजाइगस, यानी कि स्मॉल डब्ल्यू सपोज करो मैंने ले लिया, या स्मॉल टी ले लिया, होमोजाइगस होनी चाहिए, रिसेसिव होनी चाहिए, मैंने स्मॉल ले लिया, तो इसमें कंडीशन में होता क्या है, एक एंजाइम होता है फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, ये प्रोड्यूस नहीं होता है। एंड दिस एंजाइम इज एसेंशियल फॉर कन्वर्जन ऑफ अमीनो एसिड फिनाइल एलेनाइन इनटू टायरोसाइन, और ये जो एंजाइम है बहुत एसेंशियल है, ये अमीनो एसिड फिनाइल एलेनाइन को टायरोसाइन में कन्वर्ट करता है, और जब ये एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होता, एब्सेंस होता है, फिनाइल एलेनाइन टायरोसाइन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, एंड फिनाइल एलाइन एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर एक्यूमुलेटेड इन ब्लड एंड सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जिसकी वजह से ये जो फिनाइल एलाइन है, ये जो हमारा ब्लड होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, इसमें क्या फैल जाता है, एंड इट इफेक्ट्स डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड कॉजेस मेंटल रिटार्डेशन, जिसकी वजह से जो बेबी होगा, ठीक है, उसके ब्रेन डेवलपमेंट में और मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा और ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हो पाता फिनाइल क्यूटो नोरिया में। एंड एक्सेस फिनाइल एलाइन इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन, हैज दिस डिसीज इज कॉल्ड फिनाइल न्यूटोनेरिया, और जब यूरिन की फॉर्मेशन होती है तो यूरिन की फॉर्मेशन भी ये जो एंजाइम है फिनाइल एलाइन ये रिलीज होता है, एक्सक्रीट होता है, इसीलिए इस डिजीज का नाम रख दिया फिनाइल क्यूटोनोरिया। ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स अपीयर इन बोथ सेक्सेस विद इक्वल फ्रीक्वेंसी एंड दिस ट्रेट टेंड्स टू स्किप जनरेशन, और ये एक तरीके से रिसेसिव ट्रेट है। रिसेसिव ट्रेट का मतलब है, सपोज करिए मदर और फादर है, फादर को फिनाइल क्यूटोनोरिया डिजीज है, फर्स्ट जनरेशन आई, फर्स्ट जनरेशन में ये फिनाइल क्यूटोनोरिया डिजीज नहीं जाएगी, लेकिन मतलब अपेयर नहीं होगी, जीन में तो चली गई, जीन तो जाएंगी जाएंगे, अपेयर नहीं होगी आई, जैसे ही लेकिन फर्स्ट सेकंड जनरेशन आई, सेकंड जनरेशन में ये जो फिनाइल क्यूटोनोरिया डिसीज है ये सेकंड जनरेशन में किसी भी बेबी गर्ल हो बॉय हो उसमें क्या हो जाएगी, आ जाएगी। यही तो होते हैं हमारे रिसेसिव ट्रेट। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अब सेक्स लिंक इनहेरिटेंस पे। अभी हमने ऑटोसोमल देखा था, अभी सेक्स लिंक इनहेरिटेंस भी देख लेते हैं। जीन्स लोकेटेड ऑन नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड सेक्स लिंक जीन। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में आप लोगों से एक्स और जो हमारा वाई क्रोमोसोम होता है उसके बारे में डिस्कस किया था। एक्स क्रोमोसोम जो कि हमारा मेटासेंट्रिक होता है, और वाई क्रोमोसोम जो कि हमारा एक्ट्रोसेंट्रिक होता है, जिसमें एक क्रोमेटिड सिस्टर की लेंथ बहुत ही कम होती है, और ये जो अपर रीजन होते हैं एक्स और वाई के, इसी को हम लोग कौन सा रीजन कहते हैं, नॉन होमोलोगस रीजन, जहां पर जीन प्रेजेंट होते हैं, नीचे वाले रीजन में नहीं होते, जीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऊपर वाले रीजन में, जिसे कि हम नॉन होमोलोगस रीजन कहते हैं। द ट्रेट्स दैट आर डिटरमाइंड बाय सेक्स लिंक जीन्स आर कॉल्ड सेक्स लिंक ट्रेट्स, और एक ऐसे ट्रेट जो कि सेक्स लिंक जीन को डिटरमाइन करती हैं, यानी कि बेबी बॉय है या गर्ल है, ऐसे ट्रेट्स को हम लोग बोलते हैं सेक्स लिंक्ड ट्रेट। द इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक जीन फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, और ऐसे जीन जो कि सेक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट होके पेरेंट से बच्चों में जाती है, ऐसे कैरेक्टर्स को बोलते हैं सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। देर आर टू टाइप्स ऑफ सेक्स लिंक जीन, एक्स लिंक और वाई लिंक, टू टाइप्स के होते हैं,
एक्स और वाई। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर एक्स लिंक्ड की। द एक्स लिंक्ड जीन आर लोकेटेड ऑन नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम एंड दीज जीन डू नॉट हैव करस्पॉन्डिंग एलेल्स ऑन वाई क्रोमोसोम। अब देखिए होता क्या है, जो एक्स लिंक जीन्स होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस रीजन में प्रेजेंट होते हैं। बताया था मैंने आपको लास्ट वीडियो में नॉन होमोलोगस रीजन और होमोलोगस रीजन, एंड दीज जीन डू नॉट हैव करस्पॉन्डिंग एलेल्स ऑन वाई क्रोमोसोम। और ये जो जीन प्रेजेंट होते हैं ना एक्स में, वो वाई क्रोमोसोम के जीन या उसके एलील से बहुत ही करस्पॉन्डिंग होते नहीं होते हैं, करस्पॉन्डिंग नहीं होते, सेम मैसेजेस नहीं होते। फीमेल हैज टू एक्स क्रोमोसोम, एज वी नो फीमेल्स के दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं। इन फीमेल्स टू रिसेसिव सेक्स लिंक जीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सप्रेशन ऑफ सेक्स लिंक ट्रेट्स। इसीलिए फीमेल्स में दो रिसेसिव सेक्स लिंक जीन्स रिक्वायर्ड होती हैं सेक्स लिंक ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए। इफ वन एक्स क्रोमोसोम कैरीज अ रिसेसिव जीन फॉर सेक्स लिंक ट्रेट, इट्स इफेक्ट इज सप्रेस्ड बाय डोमिनेंट जीन प्रेजेंट ऑन अदर क्रोमोसोम। देखिए इसमें बोला क्या गया स्टूडेंट्स, मैं बताती हूं आपको। जैसे कि हमने देखा कि जो एक्स वाला है ऐसे होता है क्रोमोसोम, जो इसका अपर रीजन होता है वो होता है नॉन होमोलोगस, जहां पर एक्स जीन एक्स लिंक्ड जीन प्रेजेंट होते हैं। फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, ये तो हमने देख ही लिया था। और इस तरीके से दो एक्स क्रोमोसोम मैंने बना दिए, ये अपर वाला रीजन नॉन होमोलोगस है। अब होता क्या है, दोनों के पास सेक्स लिंक जीन प्रेजेंट है अपर डायरेक्शन में। अब यहाँ पर हुआ गया कि इसमें से जो एक एक्स जीन होगा वो डोमिनेंट कैरेक्टर को कैरी करता है, और जो दूसरा जीन होगा वो रिसेसिव कैरेक्टर को कैरी करेगा। दोनों जीन कभी भी एक जो सेम कैरेक्टर्स है उनको कैरी नहीं करते हैं, एक डोमिनेंट कैरेक्टर को कैरी करता है और एक रिसेसिव कैरेक्टर को कैरी करता है। और जो डोमिनेंट जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर की वजह से क्या हो जाता है, सप्रेस्ड हो जाता है, मतलब दब जाता है और डोमिनेंट एक्सप्रेस्ड होता है। द फीमेल विद वन रिसेसिव जीन आर कैरियर्स। द कैरियर फीमेल इज फिजिकली नॉर्मल एज शी डज नॉट सफर फ्रॉम द डिसऑर्डर। और ये ध्यान रखिएगा कि जो रिसेसिव जीन भले ही फीमेल में वो प्रेजेंट होता है प्लस उनके बच्चों में भी जाता है, लेकिन रिसेसिव जीन की वजह से जो उसका बेबी होगा या जो फीमेल होगी उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। नाउ मेल हैज ओनली वन एक्स क्रोमोसोम। मेल की बात करें तो मेल में तो सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, दूसरा वाई होता है। इफ एक्स क्रोमोसोम कैरीज एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन फॉर सेक्स लिंक्ड ट्रेट। अब यहाँ पे एक देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे जो मेल का एक्स क्रोमोसोम होगा उसमें एक्स लिंक्ड जीन प्रेजेंट होंगे जो कि रिसेसिव जीन होते हैं। ध्यान रखिएगा कौन से होते हैं, रिसेसिव जीन होते हैं। देन इट इज एक्सप्रेस फीनोटाइपिकली बिकॉज देयर इज नो डोमिनेंट जीन ऑन वाई क्रोमोसोम टू सप्रेस इट इफेक्ट। और ध्यान रखिएगा वाई क्रोमोसोम में कोई भी डोमिनेंट जीन नहीं होते हैं, तो मेल जो कैरी करता है उसे रिसेसिव जीन को कैरी करता है, डोमिनेंट को नहीं करता, क्योंकि वाई वाला क्रोमोसोम न रिसेसिव करता है न डोमिनेंट। और जब मेल में कोई रिसेसिव कोई डोमिनेंट है ही नहीं वाई वाले टर्म में, तो उसके पास सिर्फ एक ही बचा रिसेसिव। तो मेल जो कैरियर होते हैं जीन में वो सिर्फ रिसेसिव जीन के होते हैं। द सेक्स लिंक दैट मीन एक्स लिंक ट्रेट्स अपीयर मोर फ्रिक्वेंटली इन मेल्स देन इन द फीमेल्स। An example of X-linked traits include hemophilia, color blindness. इसीलिए males में आपने देखा होगा कि अगर कोई बीमारी है male में father में कोई बीमारी है genetic disorder है definitely वो बच्चों में जाता ही जाता है। अगर X अगर girl हो रही है तो अगर girl present हो रही है अगर baby girl produced हो रही है और father को वो बीमारी है तो definitely उस X-linked की वजह से, क्योंकि जो बेबी गर्ल होती है उसमें एक्स एक्स होते हैं, मदर का तो चलो ठीक है एक्स वाला गया ही गया और फादर का भी एक्स वाला गया, तो उसके साथ वो जो जेनेटिक डिसऑर्डर वाला जीन है फादर के अंदर वो भी बेबी गर्ल के अंदर जरूर जाएगा। जैसे हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, मायोपिया, मस्कुलर डिस्ट्रोफी एंड एटसेट्रा।
बाद आ जाता है यहाँ पर हमारा वाइलिंग, जिनको हम लोग हॉलेंड्रिक जीन भी कहते हैं। जीन्स लोकेटेड ऑन नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड वाइलिंग्ड जीन। वाइलिंग हमारा जो कि एक्ट्रोसेंट्रिक होता है, एक्ट्रोसेंट्रिक मैंने आप लोगों को बता ही दिया था, जिसमें से एक सिस्टर क्रोमेटिड की लेंथ छोटी होती है, दूसरे की बड़ी होती है। और जो जो लेंथ छोटी होती है वो नॉन होमोलोगस रीजन होता है वाई क्रोमोसोम का, जहां पर वाई लिंक्ड जीन प्रेजेंट होते हैं। द वाई लिंक्ड जीन्स आर इनहेरिटेड डायरेक्टली फ्रॉम मेल टू मेल। ध्यान रखिएगा, ये जो वाई लिंक्ड जीन कैरेक्टर्स होंगे वो सिर्फ उस मतलब गर्ल में ट्रांसफर नहीं होते, सिर्फ बॉय में ट्रांसफर होंगे, क्योंकि बॉय में वाई क्रोमोसोम जाता है, गर्ल में नहीं। सो इन मैन द वाई लिंक्ड जीन सच एज हाइपरट्रोकोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेसिव डेवलपमेंट ऑफ हेयर ऑन पिना ऑफ ईयर। तो आपने देखा होगा कि किसी किसी बॉयज के जो ईयर ना, ये ईयर वाला पार्ट होता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा हेयर्स का डेवलपमेंट हो जाता है यहाँ पूरे ईयर में। ये एक डिसीज होती है, एक तरीके से मतलब जीन होता है हाइपरट्रोकोसिस, जो कि वाई जीन में प्रेजेंट होता है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर। एंड जो बॉय होते हैं ये ट्रांसफर हो जाता है, जिसकी वजह से जो एयर होता है उसमें बहुत ज्यादा एक्सेसिव डेवलपमेंट हो जाता है हेयर्स का। एंड दिस कैरेक्टर इज ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम फादर टू सन, और ये कैरेक्टर फादर से सन में डायरेक्टली क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा कलर ब्लाइंडनेस। थोड़ा सा जो डिसीजेस है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर ले। कलर ब्लाइंडनेस तो ऐसे आप लोग जानते होंगे, जिसमें जो पर्सन है, किसी को अगर कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि उसे कलर ही नहीं दिख रहे हैं, दिखते हैं, बट स्पेशली जो रेड और ग्रीन कलर होता है वो उसको थोड़ा सा ग्रेश दिखाई देता है। ऐसे नहीं कि बिल्कुल आप रेड कलर का कोई चीज ला के रख दो, बिल्कुल टोटल रेड है तो वो नहीं दिखाई देगा, दिखाई देगा। अब दिखाई कैसे नहीं देता है, सपोज करिए एक पोस्टर है जो पूरी तरीके से ग्रीन कलर में है, सॉरी ग्रीन नहीं, ब्लू ले लेते हैं, जो पूरी तरीके से ब्लू कलर में है, ठीक है, लेकिन इस पे कुछ स्पॉट्स बने हुए हैं जो रेड कलर के हैं या फिर ग्रीन कलर के, छोटे 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 छोटे। अब ये जो छोटे छोटे स्पॉट्स बने हुए हैं ना रेड और ग्रीन कलर के, ये नहीं दिखाई देते, ये उनको रेड और ग्रीन की जगह ग्रे कलर के दिखाई देते हैं। ऐसे नहीं है कि आपने आपने किसी पर्सन के सामने इसको कलर ब्लाइंडनेस है, पूरा रेड कलर का कुछ छाप के रख दिया, पूरा दिखा दिया, दिस वन पहचान, कौन सा कलर पहचान लेगा वो, ये रेड है ग्रीन है। पर रेड ग्रीन कब नहीं दिखाई देता उसे, कि आप कोई एक बड़ा सा पोस्टर सपोज कर लीजिए जिसका कलर पूरा ब्लू है, पूरा ब्लू, लेकिन उस पर कुछ इमेज बनी हुई है छोटी सी, या कुछ स्पॉट्स हैं जो रेड और ग्रीन कलर के हैं, वो उसे दिखाई नहीं देते, वो उसे ग्रे दिखाई देते हैं। ये होता है कलर ब्लाइंडनेस। दैट डजंट मीन कि उसको कलर नहीं दिखाई देंगे तो उसको कलर पहचान लेगा। कलर ब्लाइंडनेस इज अ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, वेयर पर्सन इज अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर्स एज बोथ द कलर्स अपीयर ग्रे। इस कंडीशन में क्या होता है कि वो रेड और ग्रीन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, उसको लगता है जैसे ग्रे कलर है ये। सो दिस इज द रीजन, क्लियर। इट इज कॉज्ड ड्यू टू रिसेसिव एक्स लिंक्ड जीन व्हिच प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ कलर सेंसिटिव सेल द कॉन्स इन द रेटिना ऑफ आई। ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव एक्स लिंक्ड जीन की वजह से होता है, जिसकी वजह से हमारे जो कलर सेंसिटिव सेल्स होते हैं कॉन्स रेटना में फॉर्मेशन नहीं हो पाती इनकी। एंड द होमोजाइगोस रिसेसिव फीमेल्स एंड हेमीजाइगोस रिसेसिव मेल आर अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। अगर कोई फीमेल है जिसमें होमोजाइगोस रिसेसिव फीमेल्स यानी कि एक्स और एक्स, और बॉय में बात करें तो हेमीजाइगोस, हेमीजाइगोस का मतलब एक्स वाई, तो जो मैन और वुमेन है जिसमें कलर ब्लाइंडनेस है वो रेड ग्रीन कलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ कलर ब्लाइंड वुमेन इज मच लेस देन द कलर ब्लाइंड मैन। और जो फ्रीक्वेंसी होती है ब्लाइंड वुमेन कलर फाइंड करने की, बहुत ही कम होती है ब्लाइंड मतलब कलर ब्लाइंड मैन में, यानी कि जो मैन है वो फिर भी थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लेंगे रेड और ग्रीन को, थोड़ा सा कोशिश कर करा के, वुमेन तो बिल्कुल नहीं कर पाती, इतना डिफेक्टिव हो जाता है। एंड डोमिनेंट एक्स लिंक जीन इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कलर सेंसिटिव सेल्स इन द रेटना ऑफ आई। और जो अगर हम लोगों को कलर ब्लाइंडनेस मतलब बचना है, तो हमारी बॉडी में रिसेसिव एक्स लिंक जीन नहीं बल्कि डोमिनेंट एक्स लिंक जीन आनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारे रेटिना में जो कॉन्स की फॉर्मेशन है वो हो जाए। दस
जीनोटाइप्स ऑफ मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोस। यहाँ पे आप देख सकते हैं द इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस कैन बी स्टडी इन द फॉलोइंग टू टाइप्स मैरिजेस। देखिए फर्स्ट बात करते हैं, मैरिज बिटवीन कलर ब्लाइंड मेल विद नॉर्मल फीमेल, यानी कि एक ब्लाइंड कलर ब्लाइंड मेल है उसकी शादी नॉर्मल फीमेल से हो गई, विल प्रोड्यूस नॉर्मल विजन मेल एंड फीमेल ऑफस्प्रिंग इन फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में क्योंकि रिसेसिव होता है ना, जो कलर ब्लाइंडनेस होता है वो रिसेसिव होता है, फर्स्ट जनरेशन में तो रिसेसिव आते नहीं है। फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ कि जो मेल और फीमेल जो बेबी प्रोड्यूस्ड हुए वो बिल्कुल नॉर्मल थे, बट उनके अंदर कलर ब्लाइंडनेस का जीन जा चुका था। ध्यान रखिएगा एक बात बताइए, कोई मेल है और फीमेल है, मेल को कलर ब्लाइंड का जीन है उसके बॉडी में प्रेजेंट, फीमेल में नहीं है, तो जो बेबी के फर्स्ट जनरेशन में जाएगा तो कॉम्बिनेशन बना के जाता है, तो मेल का जो कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन था वो तो गया ना, गया फर्स्ट जनरेशन के बच्चों में गया, बस निकल के नहीं आया, बस निकल के नहीं आया। अब आई सेकेंड जनरेशन, सेकेंड जनरेशन आई, अब यहाँ पे जब सेकेंड जनरेशन आई, सेकेंड जनरेशन में किसी को भी, या तो बेबी गर्ल हो या फिर बॉय हो, जिसमें रिसेसिव कैरेक्टर प्रोड्यूस्ड हो, मतलब रिसेसिव कैरेक्टर आएंगे ना उभर के, तो डेफिनेटली उसमें से किसी एक को कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होगी, या तो बेबी बॉय को या फिर बेबी गर्ल को। यहाँ पे दिखाया भी हुआ है यहाँ पे कलर ब्लाइंड मेल एंड नॉर्मल फीमेल, हम लोगों ने इसका पूरा कराया। फर्स्ट जनरेशन आई नॉर्मल सन, सन में तो कुछ गया ही नहीं, जो बेटे थे बेटे में तो वो जीन गया ही नहीं, लेकिन जो बेटी थी उसमें क्या था, जो रिसेसिव जीन था ना मेल का, एक्स का रिसेसिव जीन कौन सा होता है, सॉरी मेल का रिसेसिव जीन कौन सा होता है, एक्स होता है ना, राइट। तो जब ये रिसेसिव जीन इस पूरी बेटी के पास गया तो यहाँ पर क्या हुआ, उसके पास कैरियर हो गया ना, बेटी के पास कलर ब्लाइंडनेस का जीन एंटर हो चुका है, लेकिन बेटे के पास नहीं गया क्योंकि बेटे के पास तो वाई वाला कैरेक्टर जाता है बॉयज का, ना कि एक्स वाला, तो बेटे के पास तो कैरियर भी नहीं गया कलर ब्लाइंडनेस का, यानी कि जीन ही नहीं गया, लेकिन बेटी के अंदर चला गया। अब सेकेंड टाइप की मैरिज देखते हैं, सेकेंड टाइप की मैरिज में क्या हुआ, मैरिज बिटवीन कैरियर फीमेल डॉटर एंड नॉर्मल मेल विल प्रोड्यूस फीमेल ऑफस्प्रिंग विद नॉर्मल विजन बट हाफ ऑफ देम विल बी कैरियर फॉर द डिसीज। अब क्या हुआ, जो बेटी थी जिसके अंदर कलर ब्लाइंडनेस का जो जीन है वो प्रेजेंट है, बस उभर गई तो नहीं आया था, रिसेसिव था क्योंकि, अब उसकी एक शादी एक नॉर्मल मेल से करवा दी जिसको कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में क्या देखा उन्होंने कि यहाँ पर जो 50% यानी कि इसके जो एक सेकेंड बट हाफ ऑफ देम विल बी कैरियर फॉर द डिसीज। फर्स्ट जनरेशन में 50-50% चांसेस होते हैं, 50-50% चांसेस का मतलब है कि सपोज करो ये उसको कोई बॉय या फिर गर्ल होती है, तो जो बॉय है एक बॉय तो चांसेस होगा कि वो नॉर्मल है, उसमें कोई भी कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम नहीं है, एक बेटी होगी है ना, फिर दूसरा इसका एक बेटा होगा, ये बेटी है इसकी, दूसरी बेटी होगी उसमें भी कोई चांस नहीं है, ठीक है नहीं आया, लेकिन 50% चांस होते हैं कि अगर एक बेटी और इसका एक बेटा होता है तो वो उसको कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होगी ही होगी, एंड हाफ ऑफ मेल ऑफस्प्रिंग विल बी नॉर्मल व्हाइल रिमेनिंग हाफ विल बी कलर ब्लाइंड, एंड फ्रॉम अबव एग्जांपल इट इज क्लियर दैट द एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन फॉर द कलर ब्लाइंड इज इनहेरिटेड फ्रॉम कलर ब्लाइंड फादर टू हिज ग्रैंडसन थ्रू हिज डॉटर। यानी कि हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि ये जो रिसेसिव लिंक्ड होता है एक्स लिंक कलर ब्लाइंडनेस का, ये पेरेंट से बच्चों में जाता है, पेरेंट से बच्चों का मतलब है कि पिता से उसकी बेटी में जाएगा, फिर उसकी डॉटर से हो सकता है उसके ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर में ट्रांसफर हो सकता नहीं, होगा ही होगा, ये तो हो नहीं सकता, होगा ही होगा, ठीक है यहाँ तक। सो दिस इज द एग्जांपल। अब यहाँ पे दूसरे की बात करें, दूसरा होता है हमारा हीमोफीलिया, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्लीडर्स डिजीज। Hemophilia is also an X-linked disorder in which blood fails to clot or coagulates very slowly. देखिए hemophilia भी आपका X-linked recessive है, जिसमें जो blood की clotting है वो नहीं होती है या बहुत ही slow होती है। The gene for normal clotting are dominant over the recessive gene for hemophilia. अब यहाँ पे दो तरीके के gene हो गए,
एक तो हो गया नॉर्मल क्लॉटिंग की, हाँ जितने भी दिन 5 मिनट्स में 2 मिनट्स में होती है वो हो जा रही है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक हो गया रिसेसिव जीन, एक हो गया रिसेसिव जीन जो कि हीमोफीलिया है। तो हमेशा जो डोमिनेंट जीन होगा यानी कि नॉर्मल क्लॉटिंग वाला, वो भारी पड़ जाएगा रिसेसिव जीन हीमोफीलिया पे, ध्यान रखिएगा। द पर्सन हैविंग रिसेसिव जीन फॉर हीमोफीलिया डेफिशिएंट इन क्लॉटिंग फैक्टर्स इन ब्लड, इवन माइनर इंजरीज कैन कॉज कंटिन्यूअस ब्लीडिंग, हेंस हीमोफीलिया इज आल्सो कॉल्ड एज ब्लीडर डिजीज। इसमें होता क्या है कि अगर किसी के अंदर ये एक्स लिंक रिसेसिव जीन हीमोफीलिया का एंटर हो गया, तो अगर उसको छोटी सी भी चोट लग जाती है ना, तो उसको कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होती रहेगी, रुकेगी नहीं। द रिसेसिव जीन फॉर हीमोफीलिया इज लोकेटेड ऑन नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। अब देखिए ये होता क्या है, ये जो रिसेसिव जीन होता है हीमोफीलिया का, ये एक्स क्रोमोसोम का जो नॉन होमोलोगस रीजन होता है वहां पर प्रेजेंट होता है। एज देयर इज नो करस्पोंडिंग एलील ऑन वाई क्रोमोसोम टू सप्रेस इट्स एक्सप्रेशन, सो मैन सफर फ्रॉम डिसीज। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये स्पेशली गर्ल्स में ज्यादा होता है। अब जब गर्ल्स में ज्यादा होगा तो डेफिनेटली जो बॉय प्रेजेंट प्रोड्यूस्ड होगा फर्स्ट जनरेशन में, तो डेफिनेट सी बात है कि ये एक्स वाला क्रोमोसोम उस बेबी बॉय में जाएगा, क्योंकि बॉय में एक्स वाला जाएगा फीमेल का। तो डेफिनेटली जो बेबी बॉय प्रेजेंट होगा फर्स्ट जनरेशन में, वो डेफिनेटली हीमोफीलिया डिसीज से क्या होगा, सफर करेगा ही करेगा, चांस ही नहीं बनता कि उसे ना जाए। वुमेन सफर्स ओनली व्हेन बोथ एक्स क्रोमोसोम्स हैव रिसेसिव जीन, लेकिन गर्ल्स के अंदर जाने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि गर्ल्स के अंदर एक फीमेल का एक्स होता है और दूसरा बॉय का एक्स होता है। तो हो सकता है कि जो फीमेल का एक्स है वो डोमिनेंट वाला हो, रिसेसिव वाला ना हो, और मेल में तो होता ही नहीं है ये, तो चांसेस कम होते हैं। सो द जीनोटाइप ऑफ मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज, लाइक कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया ऑल्सो शोज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, एंड द इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया कैन बी स्टडीड विद द फॉलोइंग। इसको भी एग्जाम्पल से देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले फर्स्ट मैरिज, मैरिज बिटवीन हीमोफिलिक मेल एंड नॉर्मल फीमेल, ठीक है, एक मेल है जो कि हीमोफिलिक है, फीमेल नॉर्मल है। अब यहाँ पे हीमोफिल यानी कि एक्स वाय होगा ना, क्योंकि रिसेसिव होता है। तो अब आप खुद देख लीजिए, यहाँ पर हमने क्रॉस कराई, क्रॉस करने में ये फर्स्ट जनरेशन आई। यहाँ पर सबसे पहले दिस वन जो उसकी डॉटर होगी, डॉटर में एक एक्स गया, राइट, एक्स एक्स गया, और जो मदर थी उसका भी एक्स एक्स गया। तो यानी कि जो डॉटर है उनमें हीमोफिलिक का जीन आएगा ही आएगा, क्योंकि फादर के पास एक्स रिसेसिव जीन में हीमोफीलिया का डिसऑर्डर है, और ये एक्स डॉटर में जाता है, तो डॉटर क्या है, हीमोफिलिक का डिसऑर्डर उसमें जाएगा। बॉयज की बात करें तो बॉयज में तो सिर्फ और सिर्फ वाई वाला कैरेक्टर जाता है, एक्स वाला जाता ही नहीं है, तो बेटे जो होंगे नॉर्मल होंगे। सेकेंड मैरिज की बात करें तो सेकेंड मैरिज में क्या है, जो फीमेल था उसके अंदर हीमोफीलिया का जीन आ चुका था, इसकी शादी भाई नॉर्मल मेल से करा दी गई। नाउ लेट्स सी क्या होता है यहाँ पर, कि जो डॉटर है वो कैरियर है, इसकी शादी एक नॉर्मल मेल से हुई, यानी कि इसके अंदर जो एक जीन होगा एक्स वाला वो कैसा होगा, वो हीमोफीलिया होगा, होगा कि नहीं होगा। तो सपोज करिए पहले इसकी फर्स्ट जनरेशन आई, बेटी हुई नॉर्मल हुई, ठीक है, क्यों उसके अंदर जो डोमिनेंट वाला जीन था वो गया। अब इसके ऊपर एक बेटा भी हुआ, इसके पास भी जो नॉर्मल वाला जीन था डोमिनेंट वाला वो गया, ठीक है, ये तो नॉर्मल हो गए। दूसरा चांस ये है कि जो फीमेल का वाला रिसेसिव जीन है जिसमें हीमोफीलिया है, राइट, और मेल है उसका तो एक्स गया ही गया, तो चांसेस है कि जो फीमेल है वो क्या है, हीमोफीलिया हो सकती है, एक उसकी बेबी गर्ल, और दूसरे भी है, हो सकता है कि एक एक्स जीन वाला मतलब प्रयोग हो गया और एक बॉय के वाई वाले ने कॉम्बिनेशन बनाया, तो हो सकता है कि उसका बेटा कलर ब्लाइंड भी हो। दोनों कंडीशन बन सकती है, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं बनेगी, कंडीशन बन सकती है। तो दिस इज द रीजन। हीमोफीलिया इज ऑल्सो रिफर्ड एज द रॉयल डिजीज, इसको हम रॉयल डिजीज भी कहते हैं।
बिकॉज इट अफेक्टेड द रियल फैमिलीज ऑफ इंग्लैंड, जर्मनी, रशिया एंड स्पेन इन 19th एंड 20th सेंचुरी. एक्चुअली 19th और 20th सेंचुरी में जो इंग्लैंड के, जर्मनी और रशिया स्पेन की जो रियल फैमिलीज थी ना राजा महाराजा, ये डिसीज उनको इफेक्ट कर गई थी उनके पूरी जनरेशन को. एंड द क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड हु रूल्ड फ्रॉम 1837 टू 1901 वाज बिलीव्ड टू हैव बीन द कैरियर ऑफ हीमोफीलिया एंड शी पास द ट्रेड ऑन टू हर 3 of 9 चिल्ड्रन. कहा जाता है कि जो क्वीन विक्टोरिया थी इंग्लैंड की, जिन्होंने 1837 से लेकर 1901 तक रूल किया था, उनके अंदर ये हीमोफीलिया का जीन प्रेजेंट था, जिसकी वजह से उनकी आने वाली जनरेशन के 9 चिल्ड्रन, 9 बच्चों में क्या है ये ट्रेट क्या हो गया था, पास आउट होता चला गया था, जिसकी वजह से जो आने वाली जनरेशन थी उनमें हीमोफीलिया की डिजीज आती चली गई थी. ये ध्यान रखिएगा, पूछ लेते हैं कभी कभी कि यहाँ तक क्लियर हो क्या होगा जीन का एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड, यानी कि ये सेक्स क्रोमोसोम लिंक जीन हम लोगों ने आज कंप्लीट कर ली. उसके बाद सेक्स डिटरमिनेशन आएगा भाई, सेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल. चैप्टर में काफी लेंथी है तो आराम से हम लोगों को कंप्लीट करना है. लेकिन आज तक के लिए इतना ही. इसके आगे का जो टॉपिक है उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे. एक दिन में एक टॉपिक ठीक है, ज्यादा वो नहीं है. हम लोगों को मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स एंड बाय बाय टू ऑल.